हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कॉस्ट इफेक्टिव टारगेटिंग के बारे में। काफी लोग टारगेटिंग तो करते हैं, लेकिन टारगेटिंग का सही तरीका क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। आज के जो वीडियो बताने वाला हूँ, इससे आपके पैसे बहुत ही ज्यादा बच सकते हैं और आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, और पूरी वीडियो देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उससे पहले आप पूरी वीडियो देख लीजिए, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो बिल्कुल ये चीजें आप कर सकते हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, वो बताने वाला हूं कि टारगेटिंग जो है, इसको आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हो और कैसे मैक्सिमम आप जो है रिजल्ट ले सकते हो। सिंपल सा मैं इसको डिवाइड करता हूं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कैसे हम टारगेटिंग करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, ओल्ड करता हूँ मैं इसको, ओल्ड वे और यहाँ पे न्यू वे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जब भी हम फेसबुक में एड रन करने जाते हैं, देन यहाँ पे मैंने ये भी चीज़ें बताई हुई है, लाइक अपना मेरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो अगर देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि 10, 15, 20 क्या करते हैं, इंटरेस्ट टारगेट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट हम यहाँ पे टारगेट कर देते हैं हमारी एक ऐड में। अब इसको हमने रन कर दिया, सपोज करते हैं हमने 1000 रुपीज का एड रन कर दिया, और ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट आए भी हमारे पास रिजल्ट आए। सपोज करते हैं हमारे पास रिजल्ट आए 10 रिजल्ट आए, ठीक है, मतलब 100 रुपीज के अराउंड एक हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से टारगेटिंग करें, काफी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये जो 100 रुपीज में आपको रिजल्ट आए हैं, हो सकता है ये आपको रिजल्ट 40-50 रुपीज में भी आपको ये रिजल्ट मिल जाए, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है, चलिए समझते हैं। चलिए हमारा जो न्यू वे है, उसको पहले हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं किस तरीके से हम न्यू वे को जो है यूज करेंगे, ठीक है। ये देखिए न्यू वे, ठीक है। सपोज करते हैं ये जो आपका पहले जो आप टारगेट कर रहे थे ना, हम मैक्सिमम 5 लेके चलते हैं, ठीक है। आपने 5 टारगेट किया था, 1, 2, 3, 4, 5 आपने 5 इंटरेस्ट टारगेट किया था एक ही कैंपेन में, जिसमें आपने 1000 रुपये लगाया और आपको लीड्स मिली 10 लीड्स, ठीक है, और जो एक लीड की कॉस्ट गई वो गई 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज लीड की कॉस्ट गई। लेकिन जो न्यू वे है, इसमें आपको करना क्या है, कैंपेन एक ही बनाना है। अब आपको क्या कर देना है, ये जो एक एड्स था, ठीक, मतलब जो इंटरेस्ट था, एक ही एड में एक ही इंटरेस्ट चूज करना है, 2, 3, 4 और ये 5। अब इससे होगा क्या, रीजन भी तो जान लो, सो कर क्यों रहे हम लोग, है ना। अब देखिए हो क्या रहा था कि सपोज करते हैं अगर मैं इसको और डिवाइड करूं, तो इस जो इंटरेस्ट रिजल्ट आ रही थी वो 20 रुपीज में रिजल्ट आ रही थी, इससे जो आ रही थी वो 50 रुपीज में आ रही थी, इससे जो आई थी 10 रुपीज में आई थी, इससे 5 रुपीज में आ रहा था, और इससे आपका फिर से 10 रुपीज में रिजल्ट आ रहा था, ठीक है। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये इतने रुपए में लीड्स आ रही है, तो ये 50 रुपीज में लीड आ रही है, ये हमारे लिए क्या है, वेस्टेज है, या फिर इससे लीड आई ही नहीं, 0 लीड आई, समझ सकते हैं इस इंटरेस्ट से। तो ये आपको पता नहीं चल पाएगा, जब आप सब एक साथ करेंगे पता नहीं चल पाएगा। सपोज करते हैं इस कैंपेन में भी आपने 1000 रुपए लगाए, ठीक है, 1000 रुपए लगाया, मतलब इसमें 200 रुपए आपने डिवाइड किया होगा, इसमें 200 किया होगा, इसमें 200, इसमें 200 और इसमें 200। अब क्या होगा, आपको इसमें भी मैं ये मान के चलता हूँ 10 ही लीड मिलती है, ठीक है, 10 ही लीड मिलती है। अब मुझे रिजल्ट ये मिलता है कि फर्स्ट मेरा जो इंटरेस्ट है उससे मुझे 5 लीड्स मिल गई, और सेकेंड है इससे मुझे 3 लीड्स मिली, और इससे मुझे 1 लीड्स मिली, इससे मुझे 1 लीड्स मिली, ठीक है। अब ये जो सेकेंड वाला है, जहाँ पे मैंने 200 रुपीज जो है लगाए थे, ये मेरे लिए क्या है, वेस्ट है, सिंपल। अब मैं जब नेक्स्ट डे एड रन करूँगा तो ये 200 रुपीज को घटा दूंगा, अब कितना रुपए हो गया मेरे, 800 रुपीज ही स्पेंड हो रहे हैं। कितने लीड्स आ रहे हैं, 10 लीड्स आ रही है। अब फिर से मैं इसमें देखूंगा क्या ये एक लीड्स 200 रुपए के वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो 3 लीड्स आ रही है, यहाँ पे तो 5 लीड्स आ रही है, ठीक है, तो मैं इन दोनों को भी बंद कर सकता हूँ। तो कितने रुपए हो गए आपके, 200 इसमें लग गया, 200 इसमें लग गया, मतलब अब आपको 400 में ही 10 लीड्स मिल जा रही है, ठीक है, 4 लीड्स में ही आपको 10 लीड्स मिल जा रही है, तो मतलब देखो 600 रुपीज आपके बच गए,
और आपको लीड्स भी मिल गई, जितने आपको लीड्स चाहिए थी, 1000 रुपये आपको स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। सिंपल आपको करना क्या है, रिपीट कर देता हूँ मैं आपके सामने, आपको इंटरेस्ट एक ऐड साइट में एक ही इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। मैक्सिमम आप दो ले सकते हैं, एक ऐड साइट में फिर दो इंटरेस्ट, फिर एक ऐड साइट में दो इंटरेस्ट। इससे क्या होगा, जिसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है उसको आप बंद कर सकते हो। ऐसे में क्या है, आप एक साथ सभी में किए हुए हो और रिजल्ट तो आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है रिजल्ट आएंगे, लेकिन इससे जो जिसमें आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं वो वाला जो आपका इंटरेस्ट है वो आपके पैसे वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसको आपको हटाना जरूरी है, जिससे आपकी कॉस्ट बच सकती है। बस ये छोटा सा टिप्स था, जिसको आप यूज़ करते हो तो मैक्सिमम आप रिजल्ट ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट हो, कुछ और जानकारी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक कर दिया, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने पूरी फेसबुक ऐड की सीरीज डाल रखी है, स्टडी सीरीज डाल रखी है, मैंने अपने टिप्स एंड ट्रिक्स सब दे रखा है आपको, जाइए मेरे चैनल पर देखिए, अगर कुछ वैल्यू ऐड होती है आपके एड्स में, आपके बिजनेस में, तो काफ़ी अच्छा होगा मेरे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू।